कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अपने दिन की शुरुआत करें परमहंस दाती जी महाराज के साथ। अभी तक आपने गुरु मंत्र विद दाती महाराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन को क्लिक करें। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मोक्ष महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनि मोक्ष महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है दीवा दे देव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है दीवा दे देव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था के आर मंगलम वालों की तरफ से, के आर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। नमो नारायण। 11 नवंबर सन 2017 और शनिवार का दिन है। क्या आपके काम नहीं बन रहे, या फिर बनते हुए कामों में अचानक बाधा आ जाती, या फिर बार बार कोर्ट कचहरी के मसले में आप फंस रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मसले से पीछा नहीं छूट रहा, या फिर आपको कम सुनाई देता बहरा बन है, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र नमो नारायण। और इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो उससे पहले मेरा ये संदेश कि 18 नवंबर याद रखना, प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित 16 फतेहपुर बेरी में दर्शन की व्यवस्था, क्योंकि 18 नवंबर को है श्री शनि अमावस्या महोत्सव, मेरी आराध्य का सबसे बड़ा दिन शनि अमावस्या महोत्सव। और करिए श्री भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, जीवन में संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रवासियों, भारत का भाग्य सुरकर में एक शनि है, और राष्ट्र के लोग देवाधिदेव शनिदेव की आराधना करते हैं तो उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। और ध्यान रखिए, भगवान शनिदेव की आराधना यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकाल कर ओम श्याम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जीवन की दशा बदल देगा है। मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है शनि अमावस्या का महत्व, और ये शनि अमावस्या 18 नवंबर को है, और 18 नवंबर की के उससे एक दिन पहले नहीं, 17 नवंबर की रात अद्भुत महाआरती है। संपूर्ण दिल्ली और एनसीआर के लोगों से कहता हूं कि आइए श्री शनिधाम रात्रि 10 बजे से महाआरती का आनंद जरूर लेना। आरती की दर्शन करने मात्र से आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण आपको होगा। अद्भुत है ये महाआरती। 29 वर्षों की तपस्या है साथियों, उन 29 वर्षों की तपस्या का से अभिमंत्रित वो जल, वो प्रसाद, वो भस्म आपको मिलेगी जिससे कि आपके कष्ट दूर हो। ध्यान रखिएगा, ये प्रसाद आपकी जीवन की हर परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। भस्म और प्रसाद शनि अमावस्या के पावन पर्व पर लेना नहीं भूलना साथियों। नमो नारायण। मेरे कुछ मित्रों ने कहा, दाती महाराज हमारे काम नहीं बन रहे, बनते बनते कामों में व्यवधान आ जाता है। ये समस्या यदि आपके पास हो तो आप एक ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ प्रभु श्री राम और सीता जी की मूर्ति हो, और वहाँ पर सिंदूर लगी हनुमान जी की मूर्ति भी हो, वहाँ जाइए श्रद्धापूर्वक पंचपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, 108 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करिए, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते, हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर सीधे हाथ की अनामक अनुंगुल से ले लीजिए और माता सीता के चरणों में लगा दीजिए। ध्यान रखना, ये क्रिया एक श्वास में पूरी करनी, ऐसा करने से देखिए आपके रुके हुए काम कैसे बने और आपकी समस्याओं का निवारण कैसे होता है। नमो नारायण। और बात करते हैं शनिवार के पंचांग की। मार्क्सिस्ट मार्च कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2074, शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र अशलेषा नक्षत्र चंद्रमा कर्क राशि में। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह।
11 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें तो दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 11 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करें और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, व्यर्थ का भय और भ्रम रहता हो, बाधाएं आ रही हो, शत्रु भय रहता हो, व्यवसाय में घाटा हो रहा हो, शिक्षा में बाधा आ रही हो, तो अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करिए और विशेष रूप से एक दाना रुद्राक्ष की माला के साथ एक दाना गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करें। और रुद्राक्ष की माला पर केतु का बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, लगातार साल भर रात्रि 8 से 12 बजे के बीच में एक सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करके देख लेगा, हर कष्ट हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा शनिवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्या से राहत मिलेगी, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, आर्थिक विसंगतियों से पीछा छूटेगा, घर में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा, परिवार संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, पुराने वाद विवाद को आज समाप्त करें, क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, धन का अपव्यय नजर आ रहा है, कार्य में असफलता का सामना देखना पड़ सकता है, साझा के कार्य में हानि है, व्यावसायिक खरीदारी में धोखे की संभावना, मानसिक और शारीरिक कष्ट है। सुबह से लेकर शाम तक एक छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार चावल किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। क्या करें, संतान की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें, क्या न करें, नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश ना करें। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रहगोचरी की अनुकूलता से भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, अधूरे कार्य अप्रत्यक्ष रूप से पूरे होंगे, सास और बाहुबल में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों को विशेष सहयोग की आशा आप कर सकते हैं, उनसे सहयोग मिलेगा और कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें, क्या न करें, जीवन साथी की उपेक्षा न करें। नमो नारायण। मैं इस वृषभ मिथुन की बात की मैंने कर्क सिंह कन्या की बात करूँ, उससे पहले शनिवार का राहुकाल और शनिवार की यात्रा। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी मर्जी आपकी। और बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा आज कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मेरा कहना है कि समय और साधन बदल गए, आज आप किसी भी दिशा में यात्रा करें लेकिन भगवान शनिदेव की मूर्ति का चरण स्पर्श जरूर करें, सिर चरणों में तेल अर्पित करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं, ओम शाम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकले, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। गोचरीय संकेत रहे कि धन की प्राप्ति होगी, कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नौकरी में सहजता और सरलता आएगी और काम बनेंगे, परंतु विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, धन की अपव्यय ज्यादा है, धन का खर्च ज्यादा है, यदि कोई परीक्षा और प्रतियोगिता है उसलिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। आज दिन भर मेहमानों का आगमन लगा रहेगा, गोचर मध्य में सावधानी से काम करेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नजर आ नहीं रही है। क्या करें, कार्य आदि में स्वजनों का सहयोग ले तो अच्छा रहेगा, क्या ना करें, मन में आलस्य और निष्क्रियता को न बढ़ने दे। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में समय शुभ, सितारों का शुभ संकेत, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी, जिम्मेदारी का निर्वाह करने में आप सफल होंगे, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा, क्या ना करें, मनोरंजन और सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण बनेगी, धन अपव्यय और पारिवारिक तनाव नुकसान देगा, मन में विक्षोभ पैदा होगा, यात्रा में नुकसान है, स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है,
आज सुबह से लेकर शाम तक कन्या राशि वालों कारोबार पे ध्यान देना होगा, हेल्थ पे ध्यान देना होगा, रिश्तों पे ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। छोटा सा उपाय है, माई के सीजन में गाय का घी का दीपक जलाना, कष्ट कम आएंगे। न मनाएं क्या करें, दाम्पत्य जीवन को अनुकूलता बनाए रखें, क्या न करें, राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें, न मनाएं। करक संघ कन्या की बात करी, तुलावर्चिक धनु की बात करूँ, उससे पहले सलाह वास्तु और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, घर के आसपास कांटेदार वो दूध फलदार दूध जो दूध वाले पौधे हैं वो ठीक नहीं होता, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, थुअर है, कीकर है, बेरी है, ये ठीक नहीं माने जाते, इसको जरा देख लेना। नमन और बात करते हैं सुझाव की। आज शनिवार के दिन यदि कोर्ट कचहरी के मसलों के में परेशानी आ रही हो तो निवारण के लिए 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और माधव के श्री चरणों में भगवान श्री कृष्ण के श्री घुंघरों वाली चांदी की बांसुरी भेंट करें तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। नमन और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों समय शुभ, सितारों का शुभ संकेत। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिला, नौकरी में तो उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग रहेगा और विश्वास भी होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इच्छित सफलता हासिल होगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। क्या करें, अनुकूल अवसर का लाभ उठाएं, क्या ना करें, व्यर्थ का तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत। शास और पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त, धन लाभ होगा, भाई बंधुओं का सहयोग और उपहार की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, व्यवसायिक यात्राओं के लिए आज का दिन ठीक है, क्या ना करें, कारोबार में बेवजह फिर बदल ना करें, न मनाएं। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों समय ठीक है, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा और धीरे 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 बिगड़ी हुए काम बनते हुए नजर आएंगे और यात्रा का योग बनेगा, सभा जलसा में जाने का अवसर मिलेगा और सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा। क्या करें, धार्मिक और सामाजिक कार्य करें, अच्छा रहेगा, क्या ना करें, व्यर्थ की चिंता और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दे, न बना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, लेकिन उससे पहले उपाय और आज का नुस्खा। प्रयासों के बावजूद भी धन कोष में वृद्धि नहीं हो रही, ये उपाय है भाई, तो हमेशा अपनी तिजोरी में मखमल लाल रंग के कपड़े पर एक दक्षिणावर्ती शंख, स्वच्छ अखंडित चावल भरकर, 9 कौड़ी 9 गोमती चक्र, शुद्ध चांदी का निर्मित गणेश जी और श्रीयंत्र का सिक्का हमेशा पूजा वहाँ रखें और रोज पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत दस दिखाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, इस पट्टी की माला पर ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की हर रोज 5 माला जाप कर, ऐसा नियमित करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। पूजा के बाद विधवाओं को वस्त्रों का दान देना या भोजन का दान देना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। बहरापन है, कम सुनाई देता है, अरे भाई सबसे पहले इसको आप ENT चेकअप कराइए, डॉक्टर को चेकअप कराइए, उसके साथ ये उपाय बड़ा अद्भुत है। आड़ू होता ना, आड़ू की गुठलियों का तेल कान में 2 बूंद डालने से बहरापन ठीक हो जाता है, ये अद्भुत नुस्खा अपना के देख लेना। नमन आ रहे और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में उस समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, भाग्य आपकी पक्ष में करवट नहीं ले, बनते हुए कार्य में रुकावट नजर आ रही, धन की हानि और मानसिक कष्ट है। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारी वर्ग से बना के रखना आज बहुत जरूरी, नुकसान है। सुबह से लेकर मकर राशि वालों थोड़ा सा क्रोध पर काबू रखें, बिना सोचे समय किसी की मददेशा नहीं करें, एक बात को 10 बार नहीं करें क्योंकि समय अनुकूल नहीं। छोटा सा उपाय, श्रद्धा अनुसार साबुत उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट नहीं आएंगे। क्या करें, पास पड़ोस से संबंध सुधारें, क्या न करें, संभव हो तो लंबी यात्रा न करें, न मनाएं। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों समय शुभ और अनुकूल है, वरिष्ठ अधिकारी और स्वजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे, अपने आचार व्यवहार के कारण आप गौरवान्वित महसूस होंगे, सुख सौभाग्य और पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होगा, बहुत सुंदर गोचर है, कहीं कोई टेंशन नहीं। क्या करें, कुटुंब और परिजनों की समस्या पर ध्यान दें, क्या न करें, अनावश्यक यात्रा न करें, न मनाएं। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों समय शुभ है, उत्तम है,
प्रयोजन सिद्धि में कोई रुकावट नहीं होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शत्रु अपनी योजना में असफल होगा, व्यवसायिक उन्नति और अधिकारी वर्ग का साथ मिलेगा। समय अच्छा है, क्या करें, नए व्यवसायिक में आप पूंजी निवेश करना चाहते तो समय ठीक है, क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा ना दे। नमोनारायण, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रहस्थों पर आधारित था, और मैंने कभी दावा नहीं किया, मैंने तो खाली अपने विचार रखे हैं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास ही रहेगा। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि इस महीने देवाधिदेव शनिदेव का अद्भुत दिन है, 18 नवंबर शनि अमावस्या महोत्सव, और संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। मेरे आराध्य का दिन है भाई, संपूर्ण जीवन उनके श्री चरणों में रहा है, और आप लोगों से कहा हूँ कि भगवान शनिदेव इसे भयभीत होने की जरूरत नहीं, शनि शत्रु नहीं, मित्र है, भाग्य विदाता है, संपूर्ण आनंद समग्रता प्रेम करुणा के दाता देवाधिदेव शनिदेव है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र से प्रेम, ओम शाम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। 18 नवंबर शनि अमावस्या महोत्सव, और इस पावन पवर पर NCR दिल्ली और संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के लिए अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है असोला फतेहपुर बेरी, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र, आपका स्वागत है साथियों, आइए श्री शनिधाम और करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। 29 वर्षों तक जिन बीज मंत्रों का मैंने साधना की, उन बीज मंत्रों से अभिमंत्रित वो जल, वो प्रसाद, वो भस्म आप सभी लोगों को शनि अमावस्या के पावन पर्व यानी 18 नवंबर को मिलेगा। पधारे, करे प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण होगा। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, 18 नवंबर शनि अमावस्या महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र और NCR और दिल्ली के लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें, क्योंकि दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क वातानुकूलित बस सेवा शनिधाम लाने और ले जाने के लिए आपके लिए की है KR मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करें और दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरें, जहाँ आपको निःशुल्क बस सुविधा मिल जाएगी। नमोनान, पधारिए शनिधाम, करिए प्रभु के दर्शन के, आपका कल्याण हो। अद्भुत तीर्थ आप दर्शन कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देवाधिदेव शनिदेव को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमोनारायण, नमोनारायण, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव है, दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है, करिए शनि भगवान का दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से, KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण। मन में विश्वास है कि जो भी बुराइयां हैं वो निकल जाएं और शनि जी का आशीर्वाद लेने आए अपने बच्चे के लिए। और हम आगे 11 कोट के चल गए थे, सब शनि भगवान की कृपा से दूर गए। जब जब परेशानी आती है तो हम दाती माघा से मिलते रहते हैं, उनसे मिलकर हमें काफ़ी सहानुभूति मिलती है, काफ़ी प्यार मिलता है। शक्तिपीठ मंदिर है ये, और शनि भगवान की साक्षात ऐसा हमें ऐसी फीलिंग होती है कि इसी मंदिर में वो हैं, और बाबा से तो जब जब मुलाकात होती है बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि साक्षात शनि भगवान का रूप इस मंदिर में है, बाबा के रूप में। मंदिर में आकर के अनुभव ये है कि मुझे सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है मुझे, जो भी मैंने मांगा है, बस थोड़ा बस इंतज़ार करना पड़ा है और सब मिला है। कुछ भी ऐसे ये नहीं है कि मैंने कुछ मांगा हो और वो मिला ना हो, सब कुछ मिला है। अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। जी हाँ, मैंने यहाँ के चमत्कार के बारे में पहले भी सुन रखा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत अच्छा लगता है, और शनिदेव में मेरी बहुत आस्था है, यहाँ कर मैं उन्हीं के लिए आकर तेल वगैरह चढ़ाती हूँ। जीवन में इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं शनिदेव धाम में आके, पहले बहुत परेशान हुआ करता था, आज के टाइम में मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। उम्मीद है, आशा जो जागी है वो यहीं से जागी है, शनिदेव से ही जगी है, इसलिए मैं इनके चरणों में लगा हूँ
और शायद लगा रहूँगा जब तक जीवन रहेगा। बहुत ही शांति फील होती है और भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब परिवर्तन आ रहा है और भगवान के नज़दीक पहुंच जाते हैं और शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है हमें बहुत अच्छा। जी हाँ, मैंने जो तसल्ली मिलती है और मेरे दिल को जो संतुष्टि मिलती है और मैं अपने काम पे पूरा सार्थक और 100% पूरा क्लियर होता हूँ। उनके पास जो भी आता है यहाँ मनोकामना लगभग सबकी पूरी होती है यहाँ पे, और ये इतना अच्छी जगह है, यहाँ पे इतनी शांति मिलती है और बहुत अच्छा सुखद का महसूस हो। हमारी तो आज तक सारी मन्नतें पूरी हुई हैं, जब जब हम यहाँ पर आए हैं हमें आगे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। नमो नान ब्रेक की बात आपका स्वागत है। लोगों ने कहा दाती महाराज हमें देवादिदेव शनिदेव से 7.5 से बहुत डराए, माँ दशा से बहुत डराया, धैया से बहुत डरा, कहा शनि भगवान की 7.5 आपका काम नहीं चल रहा है, आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपके काम में बाधा आ रही। अरे भाई इन संपूर्ण समस्याओं के लिए कहना चाहता हूँ कि भगवान शनि से मत भयभीत, आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन, दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। और परेशानी है आज शनिवार के दिन नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत 5.25 किलो देसी चने रखे, भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए जल गंगा जल का छिड़ दे, पंचोपचार पूजक ने धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित कर सुदासन पर बैठ ओम शम छाया आत्मजनाय नमः, ओम शम छाया आत्मजाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत ये देसी चने निर्धन गरीब मजदूर वर्ग के 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को दान में दे दे या फिर गौशाला में, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं शनिवार के जीवन में, जीवन में यदि सहज जीना चाहते हो और जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो श्वासों के साथ जुड़ना होगा, और श्वासों के साथ जुड़ने के लिए सदगुरु का ज्ञान चाहिए, सदगुरु से मोहब्बत चाहिए। क्योंकि कोई किस्मत बदलने की बात करते हैं तो कोई रेखाएं बदलने की बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गुरु महाराज हर वक्त हमारे साथ चलने की बात करते हैं, यदि वो हमारे साथ रहे जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नान। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम। नमो नान। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मोक्ष महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर 2017 शनि मोक्ष महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन है श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है, और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम उन लोगों की बस, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें, छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी शनिधाम आने और वापस। नमो नान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत् 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 जय शनि देवा,
हरि ओम तत्सत् जय शनि देव। इतना अनुभव है कि अगर बताना शुरू करूं तो सालों निकल जाएं, तो जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है आने से पहले ही सॉल्व हो जाती है। ये हम मंदिर इसलिए नहीं आते कि मंदिर जाना है, बट इट हैज़ बिकम द रूटीन ऑफ आवर लाइफ। क्यों मैं यहाँ, मतलब शनि महाराज की इस धाम पे कृपा है, विशेष कृपा है। हाँ, हम हमारी मन्नतें पूरी होती हैं और जो जो मन में इच्छा होती है वो सारी पूरी होती है। मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है। मैंने आत्मिक जो है वो मैंने पूरा ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर काफ़ी आस्था, काफ़ी विश्वास है और आगे भी विश्वास बना रहेगा, इनका काफ़ी कृपा है। वैसे मैं अपने दिन प्रतिदिन की पूजा में शनिदेव की आराधना करता हूँ, स्मरण करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन आज जो अनुभूति हुई वो अलौकिक, अतुलनीय अनुभूति। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है यहाँ पे आने के बाद, दिल को रिलैक्स मिलता है और सुख और चैन मिलता है यहाँ। मैं तो सबको कहूँगा कि एक बार सबको यहाँ आना चाहिए, एक बार दाती महाराज के भी दर्शन करने चाहिए सबको। मैंने सपने में देखा था शनि महाराज को और मैं यहाँ आई, मुझे शनि महाराज के दर्शन हुए और साथ में सामने दाती महाराज के भी दर्शन हुए और मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। जिस उद्देश्य से आई थी वो पूर्ण हो गया मेरा। मैं शनि धाम से पिछले 8 साल जुड़ा हुआ हूँ और शनि अमावस्या की इस दिन में आने पे बहुत ही खुशी मिलती है। यहाँ आने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है कि बात ही मत पूछो, क्योंकि बाबा के सानिध्य में, शनि धाम के सानिध्य में आने से मन प्रफुल्लित हो जाता है, सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं। मैं एक्चुअली किसी भी गुरु वगैरह को नहीं मानती थी, पर मेरे जैसे हस्बैंड में विपिन गोयल, वो यहाँ से 15 साल से जुड़े हुए हैं और मैं कभी भी नहीं आती थी, पर मैंने मतलब 1 साल के अंदर आना शुरू किया और इतना इनमें चेंजेस देखे, इतना बदलाव देखा कि मतलब बता नहीं सकती। और मुझे खुद ये लगा कि मैं भी यहाँ से जुड़ूं और मतलब उसके बाद मैंने लगातार मैं आ रही हूँ और मेरी लाइफ में इतने चेंजेस हो रहे हैं मतलब आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बाबा इतनी कृपा करते हैं कि मतलब जिसके ऊपर हाथ रख दें तो मतलब उसके ऊपर कृपा बरसती है भगवान की। नमो नारायण। ब्रेक। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण कर रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, रविवार का राशिफल, श्री भगवान को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफ की मांगती अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण। Oh,